डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16 में पूछा है कि नीचे डिफरेंट टाइप की रॉक गिवन है, इनमें से कौन सी ऐसी रॉक है जो कि कैलकेरियस नहीं है। कैलकेरियस वो रॉक्स होती हैं जिनमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कार्बोनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक तो स्पेलिंग मिस्टेक है, एक सेम क्वेश्चन आपको काफ़ी जगह मिलेगा, बट ये MACL नहीं MARL है। कैलकेरियस रॉक्स होती हैं, चौक होता है, ओइस्टर सेल्स होती हैं, लाइमस्टोन होता है और मार्ल होता है। तो इन सब में लेटराइट जो है ये कैलकेरियस रॉक नहीं है। और ये आर्जिलिसीस जो मटेरियल है ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार इन पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनमें शेल है, स्लेट है, सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन और सेल्स का जो स्लरी है उसको हम बर्न करते हैं एक किल्न में, तो किस टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। तो इसमें रेंज दी गई है काफ़ी सारी, इस वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्चुअली जिस रेंज में भी मैक्सिमम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ये ध्यान रखो, या तो 1450 डिग्री सेंटीग्रेड या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। 1500 इसमें भी है बट मिनिमम है, और जो रेंज होती है 1300 से 1500 है बुक्स में वैसे गिवन, बट क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो मैक्सिमम वाला आपने वेरीफाई करना है। इसके अकॉर्डिंग आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में पूछा है कि मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है सीमेंट में। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, लाइम भी एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो सीमेंट का मेन पर्पज है वो बाइंड करके रखना है, बाइंडिंग एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करना है। तो लाइम का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है इसमें, तो CA होता है इसमें 60-67% और उसके बाद सिलिका होता है, बाकी होते हैं ये काफ़ी कम क्वांटिटी में होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि मिनिमम परसेंटेज कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट का होगा सीमेंट में। तो फिर से हम कंपोजिशन देखते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उनमें मैग्नीशियम है, आयरन ऑक्साइड है, एलुमिना है, लाइम है और सिलिका है। तो आयरन ऑक्साइड है उसका होता है 0.5-6% होता है, लाइम सबसे ज़्यादा होता है, एलुमिना होता है जो Al2O3 ये 3-8% होता है, सिलिका है ये 17-25% होता है, मैग्नीशियम है ये सबसे कम आता है। जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। इनमें सबसे कम जो परसेंटेज होता है वो मैग्नीशियम का होता है, ये MgO है, ये है 0.12-4% तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर पूछा है कि लाइम, सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड का कितना कितना परसेंटेज होता है। तो अगर आपको पूरा नहीं भी याद है फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि लाइम का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है 60-70 के बीच में, तो 63% इसका है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ए में दिया है कि लाइम है वो एक्सेस में होगा तो सीमेंट एक्सपैंड होगी और डिसइंटीग्रेट होगी। लाइम अगर एक्सेस में होगा तो फ्री लाइम वहाँ पे बचेगा, सारा लाइम है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, कुछ फ्री लाइम बचेगा। और फ्री लाइम होता है तो उसकी वजह से अनसाउंडनेस होती है। अनसाउंडनेस मीन्स जो वॉल्यूम है उसका सेट होने के बाद में वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, वो एक्सपैंड करता है, और एक्सपैंडशन के कारण फिर क्रैक्स आ जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाती है कॉन्क्रीट। बी में दिया है कि सिलिका अगर एक्सेस में है तो सीमेंट है वो स्लोली सेट होती है। सी में दिया है कि एलुमिना अगर एक्सेस में है तो सीमेंट की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। डी में दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर एक्सेस में है तो वो फ्री स्टेट में रहता है और वो भी सीमेंट को अनसाउंड करता है, बनाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि एफ्लोरेसेंस होता है जो सीमेंट में वो किसकी वजह से होता है। तो सीमेंट में कुछ सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिजोल होकर वाटर के साथ में सरफेस पे आ जाते हैं, फिर वाटर तो वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है और वो सॉल्ट्स हैं वो सरफेस पे बच जाते हैं, और जिसके कारण सरफेस पे वाइट पैचेस हो जाते हैं, और ये एल्कलीज के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए में दिया है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो है वो रैपिडली हाइड्रेट होता है, तो सही स्टेटमेंट है। बी में दिया है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट
ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है और अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप होती है इसके कारण, ये भी करेक्ट है। सी में दिया है कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट है, ये सल्फेट अटैक के लिए इसका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होता है, तो जहां पे किसी केमिकल अटैक या किसी भी ड्यूरेबिलिटी की बात आती है वहां पे C2S है वो बेटर कंपाउंड है C3S के कंपेरेटिवली। उसका रीजन हम अच्छे से समझ लेते हैं, ये जैसे C3S है 3CaSiO2, तो ये C3S हो गया, इसका H2 के साथ रिएक्शन हो रहा बन रहा है, तो ये दो कंपाउंड बन रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन होने पर, एक तो ये है, ये तो CSS जेल है जो कि काफी अच्छा कंपाउंड माना जाता है और काफी स्टेबल है, दूसरा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है साथ में, ये CaOH2S बन रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये किसी भी लिक्विड के साथ लीच आउट हो जाता है, अगर कॉन्क्रीट किसी लिक्विड के कॉन्टेक्ट में आएगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ डिजोल्व होके बाहर निकल जाएगा और पोर्स रह जाएंगे, जहां पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वहां पर पोर्स रह जाएंगे, और ऑब्वियसली कॉन्क्रीट में पोर्स ज्यादा होंगे तो कॉन्क्रीट ड्यूरेबल नहीं होगी। और C2S में सेम रिएक्शन C2S में होता है, बट डिफरेंस ये है कि CSH जेल जो है वो C3S में कम बनता है, C2S में CaOH2S कम होता है और ये जेल ज्यादा होता है जो गुड कंपाउंड है, जैसे ये C2S की रिएक्शन है। अब अगर 100 ग्राम हमने C2S यहाँ पर लिया, इसने 21 ग्राम वाटर के साथ में रिएक्ट किया, 99 ग्राम तो इसमें CSH जेल बना और 22 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। सेम अगर C3S की बात करें, 100 ग्राम C3S लेने पर 75 ग्राम CSH जेल बन रहा है और 49 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो कहीं पर अर्ली स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट हो तो C3S को प्रेफर किया जाता है, बट लॉन्ग टर्म में ड्यूरेबिलिटी के लिए देखें तो C2S वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, ज़्यादा अच्छा कंपाउंड है, तो C3S गलत हो गया है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन 24 में ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स गिवन है। ए में दिया है कि रैपिडली हाइड्रेट होता है, C2S है वो रैपिडली हाइड्रेट नहीं होता है। बी में दिया है कि लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, तो हाँ ये स्लोली हार्ड होता है, स्लोली स्ट्रेंथ गेन करता है और हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी कम होता है इसका। सी में दिया है कि रैपिडली हार्डन होता है, हार्डन का मतलब स्ट्रेंथ गेन करना। दो टर्म होते हैं, जो सेटिंग होती है, सेटिंग हम स्ट्रेस को बोलते हैं जहां पर वो कॉन्क्रीट है वो अपनी प्लास्टिसिटी लूज करता है और वो एक सॉलिड मटेरियल बन जाता है, उसके बाद में जो स्ट्रेंथ गेन करता है उसको हार्डनिंग बोलते हैं। डी में दिया है कि लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट, तो सीमेंट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो C2S के कारण ही होती है, तो यहाँ पे ओनली स्टेटमेंट बी है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट बी यहाँ पर करेक्ट है, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्वेश्चन 25 में पूछा है कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A है, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ इनकरेक्ट भी है, तो एग्जैक्टली कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आंसर नहीं बन रहा है, तो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, जनरली C3A का क्या कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। C3A ये सबसे पहले रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्शन वाटर के साथ में बहुत ही फास्ट होती है, और इसी के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं ताकि फ्लैश सेट ना हो, फ्लैश सेट मतलब वाटर ऐड करते हैं एकदम से सीमेंट सेट हो गई है, कुछ प्लेसिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल पाया है, और ये सल्फेट अटैक के अगेंस्ट इसकी जो रेजिस्टेंस होता है ये काफी कम होता है, और ये स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है या नहीं करता है, C3A का क्या रोल होता है कॉन्क्रीट में, इस पर भी रिसर्च चल रही है, बट इसका प्रोपोर्शन काफी कम होता है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ गेन ये कर रहा है स्ट्रेंथ या कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है स्ट्रेंथ में नहीं कर रहा है उसका उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि क्वांटिटी कम है C3A की। तो ये जो स्टेटमेंट है कि अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखो तो ऑप्शन ए करेक्ट है, सबसे फास्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ में। बी में है कि लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन है, तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं होता है, ये फास्ट रिएक्ट करता है और गुड अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है। डी में दिया है कि डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलप अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो यहाँ यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए और डी तो बिल्कुल सही है। सी है वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में ऑप्शंस किस हिसाब से ये करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है ये, बट उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 में भी C3S और C2S के रिगार्डिंग कुछ जनरल से स्टेटमेंट दिए हैं। ए में दिया है कि C3S का ज्यादा परसेंटेज हो, C2S का कम परसेंटेज हो तो रैपिड हार्डनिंग होगी, जल्दी स्ट्रेंथ गेन होगी,
बी में दिया है कि C3S का ज़्यादा परसेंटेज हो और C2S का कम परसेंटेज हो, सो सीमेंट है वो लेस रेजिस्टिव होगी। तो हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा था कि अगर रेजिस्टिव बनाना है, ड्यूरेबल बनाना है, तो C2S ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो लाइम बनता है, जो CaOH2 बनता है, वो काफ़ी कम होता है। सी में दिया है कि लो परसेंटेज ऑफ C3S है और हाई परसेंटेज ऑफ C2S है, तो स्लो हार्डनिंग होगी, और अगर लो परसेंटेज ऑफ C3S हाई परसेंटेज ऑफ C2S हुआ तो ग्रेटर रेजिस्टेंस होगा। तो दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पर पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए में दिया है कि ग्राइंडिंग, जो डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग है, कितना हम उसको बारीक पीसते हैं सीमेंट के क्लिंकर्स को, उसको फाइनेंस कहते हैं, तो ये करेक्ट है। बी में दिया है कि सीमेंट का पेस्ट होता है वो हार्ड मास में चेंज होता है, इसको हम सेटिंग बोलते हैं। सी में दिया है कि वो फिनोमिना जिसकी वजह से सीमेंट है वो साउंड के ट्रांसमिशन को अलाउ नहीं करती, उसको साउंडनेस बोलते हैं। तो थोड़ा सा भी आपको साउंडनेस पढ़ा होगा कॉन्क्रीट में, तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट गलत है। साउंडनेस कॉन्क्रीट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसका वॉल्यूम प्रिजर्व रहता है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगर गुड साउंड सीमेंट है तो वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। डी में दिया है कि हीट जनरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो हाइड्रेशन होता है उसमें जो हीट रिलीज होती है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 में ऑर्डिनरी पोर्टलेट सीमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर की में गलत आंसर दिया हुआ है, आंसर की में बुक्स में काफ़ी वेबसाइट्स में इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन सी दिया हुआ है, बट इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। ये यहाँ पे 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड OPC के रिगार्डिंग डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। तो साउंडनेस है वो 5 to 10 mm होता है, 10 mm से कम होना चाहिए। तो ये साउंडनेस का लिचटली टेस्ट से यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 10 mm से कम होना चाहिए। और ISCV नंबर 9 जो 90 microns की सीव है उससे में 10% से ज़्यादा रेजिडुअल नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी होती है ओपन पोर्टलैंड सीमेंट की। सी में दिया है कि इनिशियल सेटिंग टाइम है वो लेस देन 30 मिनट नहीं होना चाहिए, तो ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। स्ट्रेंथ वाला थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, ये यूनिट्स का हम कन्वर्जन करेंगे तो मेगा पास्कल में 17.5 MPa आएगा, और यहाँ पर 7 डे स्ट्रेंथ है, ये 22, 33 और 37 है, तो इससे थोड़ी ज़्यादा ही है, बट तीन स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, तो फिर आंसर ऑप्शन ई होगा, सी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है उसका रेफरेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ML गंभीर की ये बुक है, उसमें पेज नंबर 30 पर ये दिया हुआ है। क्वेश्चन 29 में पूछा है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें अर्ली स्ट्रेंथ पे ही हाई स्ट्रेंथ गेन कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उस OPC के सिमिलर ही है, बट इसमें C3S का कंटेंट है वो ज़्यादा रखा जाता है और फाइनल ग्राइंडिंग की जाती है। फाइनल ग्राइंडिंग की जाती है इसलिए रिएक्शन है वो फास्ट होती हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, फाइनल ग्राइंडिंग। इसका भी आंसर की मैं जो आंसर दिया वो ऑप्शन सी दिया हुआ है काफ़ी बुक्स में, वेबसाइट्स पे, तो इसका मैं रेफरेंस यहाँ पर ऐड कर दूंगी जब आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी रिटर्न PDF। और वैसे भी ये किसी भी बुक में आपको रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मिल जाएगा, तो जनरल सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट रैपिड हार्डनिंग को एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग में कन्फ्यूज होते हैं, तो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग है इसमें CaCl2 है वो कैल्शियम, वो पोर्टलैंड सीमेंट है उसके साथ में ऐड कर दिया जाता है, एक एक्सीलरेटर है और इसको ऐड कर दिया जाता है, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में कोई एक्सीलरेटर ऐड नहीं किया जाता, जस्ट C3S का प्रोपोर्शन बढ़ाया जाता है और ग्राइंडिंग ऑफ फाइनल की जाती है। क्वेश्चन 30 में पूछा है कि रोड पेमेंट के लिए कौन सी सीमेंट है वो यूज़ की जाती है, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज की जाती है ताकि जल्दी से रोड रेडी हो जाए और उसको यूज कर सकें। ये प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, जहाँ पे फॉर्मवर्क और जल्दी रिमूवल का रिक्वायरमेंट है वहाँ पर यूज किया जाता है इसको, रिपेयर वर्क वगैरह भी यूज किया जाता है, और कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग जहाँ पर है वहाँ पर यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।